विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा का वास है। उज्जैन नगरी, इसे धार्मिक नगरी के नाम से कहा जाता है। यहाँ क्षिप्रा में स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। 12 साल में यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ भी लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट स्थित है। ऐसा भी बताते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का यहाँ पर पिंडदान किया था। इस बार 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या आ रही है। इसको चैत्र अमावस्या भी कह रहे हैं। इस दिन शिव भगवान की पूजा के साथ में पितरों की भी पूजा होती है। इस दिन यह दान व तर्पण सीधे पुत्रों को मोक्ष प्राप्त कहलाता है। इसलिए दूर दूर से क्षिप्रा किनारे रामघाट पर लोग स्नान करने आते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सोमवती अमावस्या का मुहूर्त व समय। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सोमवती अमावस्या इस दिन 8 अप्रैल के दिन पड़ रही है। सोमवती अमावस्या प्रातः 4 बजे से और रात्रि 11 बजे तक रहेगी। सोमवती अमावस्या का पावन पर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात पितरों के लिए तर्पण करें, भगवान शिव पार्वती का पूजन करें और जो सुहागनी स्त्रियां होती हैं वो पीपल बरगद आदि जो शुभ वृक्ष होते हैं उनका पूजन करें। इन वृक्षों के पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें, भगवान शिव पार्वती से शुभ कामनाएं करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल आदि शुभ वृक्षों में सूत कच्चा सूत का धागा लपेट करके ऐसे पूजन की मान्यता है और ऐसा पूजन करने से भगवान शिव पार्वती सौभाग्य प्रदान करते हैं, कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार से पुण्य सलीलाओं में स्नान दान आदि का भी बड़ा महत्व है। इस दिन दान करने से शुभता जो होती है, जो लाभ प्राप्त होता है वो अखंड लाभ, अखंड शुभता की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू इन नदियों के स्नान से उनके जो प्रधान देव हैं नारायण वो प्रसन्न होकर अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए, अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए पुण्य सलीलाओं में स्नान करें, भगवान शिव पार्वती का पूजन करें, शुभ वृक्षों का पूजन करें और अपने परिवार एवं अपने इष्ट मित्रों की शुभ कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण।